हाय अर्जुन, हाय श्रद्धा, दिस इज रवि। हाय रवि। आज के डिजिटल एज में ब्रेकअप का जो गम है लोग इतना ज्यादा नहीं मनाते हैं। लोग लेफ्ट राइट मेकअप ब्रेकअप का, हाँ ब्रेकअप जी, लोग लेफ्ट राइट स्वाइप करते हैं और एक डेट फिक्स करते हैं। और हमारे सिनेमा में भी वो बदलाव दिख रहा है पिछले 10-15 सालों से जो रियल लाइफ में हो रहा है। तो रिलेशनशिप के जो डायनेमिक्स हैं वो चेंज हो रहे हैं। तो आप लोग ये जो बदला, जो रिलेशनशिप का बदला हुआ डायनेमिक है, उसको किस तरह से देखते हैं आप, अर्जुन और श्रद्धा? यू सेइंग इन एवरीडे लाइफ, व्हाट, नॉट रिलेटेड टू द फिल्म, यू सेइंग व्हाट डू वी फील? मुझे डेफिनेटली लगता है कि ये जो हाफ गर्लफ्रेंड हाफ बॉयफ्रेंड का जो स्टेटस है वो एक्चुअली एग्जिस्टेंट है। और मेरे भी बहुत फ्रेंड्स हैं जो बोलते हैं कि मुझे अच्छा लगता है लेकिन मैं पूरी तरह से कमिट नहीं करना चाहती, या फिर आधा, मतलब फुल नहीं, हाफ, देखते क्या होता है, यू नो। सो आई थिंक दैट, या आई थिंक अब जो यूथ है वो परखना चाहती है बिफोर डिसाइडिंग, दैट दे वांट टू स्पेंड टाइम इन डिस्कवरिंग द अदर पर्सन रादर देन बिलीविंग कि इसमें 100% अच्छा ही और ये मेरे लिए सही लड़का या लड़की है। लोग अब परखना चाहते हैं और लोगों से मिलके परखना चाहते हैं, ये नहीं होता कि एक ही जन को। तो दैट इज समथिंग दैट इज एन एवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी ऑन द होल अक्रॉस द वर्ल्ड। जो डेटिंग कॉन्सेप्ट था हिंदुस्तान में नहीं था, कहीं ना कहीं ये सब डिजिटल टेक्नोलॉजी की वजह से इंडिया में थोड़ा सा, मैं कहता हूँ ज़्यादा नहीं पर थोड़ा सा इवॉल्व हुआ है। जैसे हिंदुस्तान में कहते हैं ना, आप पहली डेट पर, हमको डेट मतलब जेन्यूनली, हमारे जब मैं स्कूल में था तो डेट वॉज लाइक कि स्कूल में बस कैंटीन में बैठ के बात कर ली किसी लड़की से, उससे ज़्यादा नहीं होता था। आज होता है, लोग कॉफ़ी पीने जाते हैं, आज इतने सारे कॉफ़ी शॉप्स खुल गए, आज रेस्टोरेंट्स खुल गए हैं, देर इज़ एन अवेलेबिलिटी टू सोशलाइज बियॉन्ड जस्ट द कॉलेज एंड स्कूल सिचुएशन। और आज टुडे पेरेंट्स ऑल्सो आर मोर ओपन टू द थॉट ऑफ पीपल मीटिंग अदर पीपल, इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट दैट वी नो बेस्ट, पेरेंट्स हैव ऑल्सो इवॉल्व। सो वेयर रिलेशनशिप्स आर कंसर्न्ड, आई थिंक एवोल्यूशन, यस टेक्नोलॉजी, माइंड सेट, the influences of a lot of factors including the westernization of our country to certain degree allows us, for the betterment, I'm not saying for the wrong, but for the betterment have allowed relationships to get formed in unique ways rather than ki seedha shaadi tak baat pahunchna. That journey from liking somebody to getting married does not become a straight drive. There are various paths that now each person takes on to realize that okay, I'm ready to settle down, or this is the correct person, or I feel I need to secure my future. There are lots of more thoughts. Or sometimes people don't even want to settle down. Correct. Like, which is new, yes. Which is a new thing. But I genuinely believe, आप कितनी भी technology ले लो, आप कितना भी आगे westernized हो जाओ, कहीं अगर किसी से सच्चा प्यार हो गया, कोई technology, कोई वो चीज़ आपको बचाने नहीं वाला, वो दर्द आपको जो टूटने में होने वाला है। If you fall in love, ना ये ऐसी फिल्में क्यों बनाते हैं? अगर आपको किसी से सच्चा प्यार हो गया तो आप जितनी भी कोशिश टेक्नोलॉजी कर ले, कोई भी स्वाइप कर ले, वो कभी वैक्यूम फील नहीं होगा। दुनिया में एक तो चाहिए जो सच्चे प्यार में बिलीव कर रहे हैं ना। लेकिन आजकल लोग ब्रेकअप का उतना गम नहीं मनाते, मूव ऑन बहुत जल्दी करते। सर लास्ट कब आपका दिल टूटा था? सर और ऐसे जनरलाइज करना गलत होगा, जो बेचारे आशे कभी इस वक्त रो रहे होंगे, बोल रहे होंगे यार इनको पूछिए ना, इनको पूछिए, इनके हाफ हाफ जो है। वन लास्ट क्वेश्चन प्लीज, हम फूल बनाने में मदद करेंगे आपकी, चलिए आप हमारे साथ। अच्छा।